अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी, क्लास 10, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन नंबर 4.2, भोली, वार्मिंग अप एक्टिविटी एंड लेसन पार्ट 1, एक्सप्लेन बाय इमरान बेंगलोरे। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। वार्मिंग अप चिट चैट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। डिस्कस द फॉलोइंग इन योर ग्रुप्स, नीचे दिए गए अपने ग्रुप में उसको क्या करना, हमको डिस्कस करना है। ए देखो क्या है उसका, वेरियस सोशल इविल्स डैट एग्जिस्ट इन, मतलब जो दूसरे सोशल इविल्स यानी समाजी जो अनासिर है, मतलब जो बुरे अनासिर है, उनके बारे में जो हमारे सोसाइटी में मौजूद है उसके बारे में हमको क्या डिस्कस करना है। जैसा कि बिग सिटीज़, स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। तो पहले बिग सिटी में क्या देखेंगे, फीमेल इन्फेंटेसिटी, डाउरी, वुमेन सेफ्टी, अल्कोहलिज्म, ट्रैफिक, एडिक्शन, वायलेंस। यानी बड़े बड़े सिटी में क्या होता है, बच्चों को जो मारते हैं बचपन में ही, वो दहेज के बारे में, औरतों की हिफाजत के ताल्लुक से, शराब, ट्रैफिक, एडिक्शन और वायलेंस, झगड़े के बारे में, बड़े सिटी में प्रॉब्लम्स है। दूसरी स्मॉल सिटी में देखो, बी स्मॉल टाउन्स, जेंडर इनइक्वालिटी एट वर्क लॉ स्टेज ऑफ वुमेन। यानी जेंडर इक्वलिटी यानी क्या, जो मर्द औरत में जो फ़र्क किया जाता है उसके बारे में, औरत में इज्जत घर में नहीं मिलती है, वो चाइल्ड लेबर यानी बच्चों को घर में ही काम लगाते हैं, बच्चों की मजदूरी, बाल मजदूरी, कास्ट, जातिवाद सिस्टम वगैरह रहता है। और विलेज में हाइजीन एंड सैनिटेशन यानी साफ सफाई और सैनिटेशन यानी सेहत और साफ सुथरी। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट यानी मजहबी तसादुम, सुपरस्टिशन, अंधी अकलीद, पावर्टी, गरीबी, इलिटरेसी यानी नाखौंदगी, जैसे हम पढ़ाई लिखाई में नहीं, जहाँ पर कुछ भी नहीं, कंज्यूमिंग अल्कोहल और शराब का ज़्यादा इस्तेमाल, ठीक है। ये दूसरा था, अब इसमें दूसरा देखो, अ वेरी वेरी फ्यू यंगस्टर लाइक टू टेक सोशल वर्क एज ए करियर, डिस्कस द रीज़न वाई दे आर नॉट टेक इट सीरियसली। यानी कुछ कम, बहुत ही कम यंगस्टर जो सोशल वर्क का अपना करियर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो हमको इस टॉपिक पर क्या करना है, डिस्कस करना है कि वो क्यों सीरियसली सोशल वर्क को नहीं करते। नंबर 1 देखो, अ वेरी फ्यू यंगस्टर लाइक टू टेक अप सोशल वर्क एज अ करियर बिकॉज, नंबर 1, नो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। यानी उनको यहाँ पर अकम्पलिशमेंट यानी इसमें रहागीर का कुछ का ये नहीं रहता, नो फिक्स इनकम, यहाँ पर परमानेंट इनकम नहीं रहती, नो फिक्स ड्यूटी आवर ऑन टाइम, यहाँ पर ड्यूटी आवर्स टाइम का फिक्स नहीं रहता इसका, 24/7 वर्क यानी मतलब दिन के 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन काम ही रहता है, अनसर्टन ऑफ फ्यूचर और यहाँ फ्यूचर की कोई यकीन नहीं है, मतलब फिक्स गारंटी नहीं है। इसकी वजह से लोग क्या करते हैं, सोशल वर्क को अपना करियर तौर पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। नंबर 1, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स कैन बी यूज इन 3 degrees ऑफ कंपैरिजन। यहाँ पर 3 degrees कंपैरिजन दिया गया है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। फॉर एग्जांपल दिया देखो, कोल्ड, टॉल, हेवी, फास्ट, ब्यूटीफुल, लिटिली, क्या है ये पॉजिटिव है। कंपैरेटिव देखो, फॉर एग्जांपल कोल्डर, टॉलर, हेवियर, फास्टर, मोर, ब्यूटीफुल, लेस। इसके बाद सुपरलेटिव का एग्जांपल है, यहाँ पर कोल्डेस्ट, टॉलेस्ट, हेवियस्ट, फास्टेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, लिस्ट। अब टेबल को हमको क्या करना है, इसको फिल करना, कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ मैं। अभी टेबल देखेंगे हम कैसे, यहाँ पर ये 1 से 10 तक दिया हुआ है, उसका मतलब उसका पॉजिटिव डिग्री दिया गया है, उसका कंपेरेटिव, उसका सुपरलेटिव। हमको क्या करेंगे, इसका तीनों फॉर्म को लिखना है। जैसा ही देखो, यहाँ पर है नंबर 1, सिंपल, सिंपलर, सिंपलियर या सिंपलर या सिंपलेस्ट।
फिर दूसरा क्या है इसका, प्रीटियर दिया हुआ है, प्रीटी प्रीटियर प्रीटियस। तीसरा डीपेस्ट दिया हुआ है, डीप डीपर डीपेस्ट। ये इंटेलिजेंट रहेगा, जैसे मोर इंटेलिजेंट मोस्ट इंटेलिजेंट, या बेटर है गुड बेटर बेस्ट, यहाँ है मोस्ट अफेक्शनेट, अफेक्शनेट है ना, तो यहाँ पर आएगा अफेक्शनेट मोर अफेक्शनेट। यहाँ पर यंग है यंगर यंगेस्ट आएगा, यहाँ पर नियर है नियर नियरर नियरेस्ट, यहाँ पर क्विकेस्ट है क्विक क्विकर क्विकेस्ट, यहाँ पर मोस्ट है मच ऑब्लिक मेनी मोर मोस्ट। ठीक है, इसके बाद नंबर टू, पिक आउट हिंदी वर्ड्स यूज इन द स्टोरी रिटन इन इंग्लिश देर इंग्लिश अल्टरनेट। जैसे कि देखो यहाँ पर भूली सिंपल रिटर्न एक दिया गया था, अब दूसरे पर है नंबरदार रेवेन्यू ऑफिसर है तहसीलदार जो कलेक्टर है, सिनेमा मूवी को कहते हैं पिताजी फादर। ठीक है, उसके बाद अगला है नंबर तीन, राइट थ्री एडवांटेजेस एंड थ्री ड्रॉबैक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमको सिटी लाइफ और विलेज लाइफ के तीन फायदे तीन नुकसान लिखना है, और विलेज लाइफ के तीन फायदे तीन नुकसान लिखना है, जैसा कि नीचे दिया गया है। देखो सिटी लाइफ एडवांटेज जो क्या इसका है, रिच एम्यूनिटीज यानी अच्छी सुख सुविधा रहेंगी, उम्दा एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटी यानी आपके ज़्यादा मौके तुमको यहाँ पर मिलेंगे, कुछ गुड ट्रांसपोर्टेशन यानी आमद रफ्त के अच्छे ट्रांसपोर्टेशन रहेगी ज़राए रहेंगे, ये इसके सिटी लाइफ के ये एडवांटेजेस है। अब ड्रॉबैक्स क्या देखो इसकी खामियाँ, फास्ट लाइफ यानी लाइफ क्या बहुत फास्ट रहेगी, एक्सट्रीमली कंजेस्टेड यानी बहुत ही गुंजन आबादी रहेगी यानी खुला खुला नहीं रहेगा, एयर वाटर नॉइज़ हार्मफुल पोल्यूशन यानी यहाँ पर तुमको हवा पानी और दूसरे दीगर जो खतरा थे वो ज़्यादा इधर गंदगी रहेगी। अब विलेज लाइफ का देखो इसके एडवांटेजेस क्या रहेंगे, पीसफुल इन्वायरमेंट यानी सुकून का माहौल रहेगा, फॉलो ट्रेडिशन कल्चर जो ट्रेडिशन है हमारी कदीम रस्म रिवायत और जो कल्चर है उसको हम क्या है जो तहजीब को फॉलो करेंगे, एंजॉय ब्यूटी ऑफ नेचर, और यहाँ पर ब्यूटी ऑफ नेचर रहेगा खूब कुदरत की खूबसूरती मनाजिर रहेंगे। अब इसके ड्रॉबैक क्या रहेंगे, मिस द कन्वीनियंस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ, जो कन्वीनियंस है जो सहूलत है और जो मौके हैं लाइफ के वो यहाँ पर नहीं मिलेंगे, इग्नोरेंस प्रिजुडिस एंड नैरोनेस, इग्नोरेंस यानी कि उनको तवज्जो नहीं मिलेगी तासुब रहेगा और जो क्या तंग नजरिया रहेगा, ब्लाइंड फेड एंड सुपरस्टिशन यानी अंधी यानी अंधविश्वास और अंधी तकलीफ यहाँ पर रहेगी। क्या हो गया इसके ड्रॉबैक्स हो गए, अब भूली यहाँ पर टॉपिक शुरू होता है भूली जो इसके जो राइटर है ए के अब्बास 1914-1987 वॉज एन इंडियन फिल्म डायरेक्टर नावलिस्ट स्क्रीन राइटर एंड जर्नलिस्ट इन द उर्दू हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस, यानी ये तीनों लैंग्वेज में इंडिया के डायरेक्टर है नावलिस्ट है स्क्रीन राइटर और जर्नलिस्ट रह चुके हैं ए के अब्बास। हिज फिल्म ओन नेशनल अवार्ड्स, उनकी फिल्म क्या थी नेशनल अवार्ड जीती थी, ही इज कंसिडर वन ऑफ द पाइनर ऑफ द इंडियन पिलर एंड न्यू रियलिस्टिक सिनेमा, यानी इस संग बुनियाद इन्होंने रखा था जो इसको क्या इनको ऐसा माना जाता है उनके तालुक ऐसा मानते हैं कि ये जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो पाइनर जो बुनियाद रखी थी रियलिस्टिक सिनेमा की ये अब्बास ने रखी थी। हिज कॉलम उनके जो ना जो नायाब है लास्ट पेज होल्ड डिस्टिंक्शन ऑफ बींग वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग कॉलम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन जर्नल, उन्होंने जो पेज जो लिखा था एक कॉलम लिखा था जो जर्नलिस्ट है तो जो लास्ट का पेज वहाँ पर था उसमें क्या उनके जो आर्टिकल जो भी आते थे वो बहुत नुमाया थे और इंडियन हिस्ट्री में इनके इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो पार्ट वन शुरू होता है, दो हिस्सों में ये पूरा लेसन है, हम पहला पार्ट वन देखेंगे। पार्ट वन, हर नेम वॉज सुलेखा बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरी वन हैड बिन कॉलिंग हर भोली,
सिंपलटन देखो उसका नाम था सुरलेखा, लेकिन बचपन ही से सब लोग उसको क्या बुलाया करते थे, भोली द सिंपलटन यानी अनाड़ी। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, वो चौथी लड़की थी नंबरदार रामलाल की। वन शी वॉज 10 मंथ ओल्ड शी हैड फेलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड एंड पर हैव इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। जब वो 10 महीने की थी वो कॉट से नीचे गिर गई थी, सर पर चोट लगने की वजह से उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा क्या है डैमेज हो चुका था। डैट वॉज व्हाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज अ भूली द सिंपलटन, जिसकी वजह से मतलब वो बैकवर्ड चाइल्ड यानी पीछे का थोड़ा सा दिमागी कमज़ोर थी और सब लोग उसको ना भूली के नाम से जानते थे, भूली द सिंपलटन यानी अनाड़ी। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, जब पैदा हो गई थी बहुत ही प्यारी और गोरी थी। बट वेन शी वॉज 2 ईयर्स ओल्ड, जब वो 2 साल की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, और उसको जो है छोटे छोटे चेचक का असर हुआ। ओनली द आइज वेयर श्योर, खाली उसके आँखें बाकी रही, बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर बाय द डीप ब्लैक पॉक मार्क, खाली आँखें उसकी बची रही, बाकी पूरी उसके जिस्म पर क्या है डिसफिगर यानी क्या मतलब पूरी स्पॉइल्ड हो गया, पूरा ख़राब हो गया। एंड डीप ब्लैक पॉक मार्क यानी परमानेंट स्किन पर जो उसके साथ दाग रह गए। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5 एंड व्हेन एट लीस्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टमर्ड, जब वो 5 साल की थी वो अभी तक कुछ बोल नहीं पाती, जब वो कुछ बोलने सीखती है सीख पाती है वो क्या होती है घबरा जाती है, स्टमर्ड यानी कपकपाना थरथराना। द अदर चिल्ड्रन ऑफ्टन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक हर, और दूसरे बच्चे उसका हमेशा क्या करते उसका मजाक करते थे और उसको मिमिक करने उसकी नकल करते थे। एज रिजल्ट शी टॉक वेरी लिटिल, जिसकी वजह से वह बहुत ही कम बातें करती थी। अब आगे देखेंगे, बहुत कम बोला करती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, जो उसके पिताजी थे उनका नाम था रामलाल, उनको 7 बच्चे थे, 3 सन एंड 4 डॉटर्स, और 3 लड़के 4 लड़कियाँ थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और उसमें जो सबसे छोटी कौन थी भोली थी। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर हाउस होल्ड यानी बहुत ही मतलब प्रॉस्परस अच्छी लाइफ ज़िंदगी बसर कर रहे थे हाउस होल्ड। एंड देर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और घर में बहुत ज़्यादा मतलब आराम से खाया पीते थे। ऑल द चिल्ड्रन एक्सपेक्ट भोली वेयर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, उसके सारे बच्चे कैसे थे बहुत ही हेल्दी सेहतमंद और स्ट्रांग मजबूत थे सिर्फ भोली को छोड़कर। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल एंड लेटर इन कॉलेज, और जो लड़के थे उनको पढ़ाई के लिए सिटी यानी सिटी में भेजते थे और वहीं पर वो स्कूल के बाद कॉलेज वहीं पर पढ़ा करते थे। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट एंड हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, और सबसे बड़ी लड़की थी उसकी राधा, जिसकी शादी हो चुकी थी। द सेकंड डॉटर मंगलास मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल, रामलाल कुड थिंक ऑफ थर्ड चंपा, मतलब पहली लड़की तो और मतलब पहले शादीशुदा थी, शादी हो चुकी थी, और दूसरी लड़की थी उसका नाम था राधा सॉरी मंगला, हैड बीन आल्सो सेटल यानी उसका भी तकरीबन शादी मतलब लड़का देख चुके थे और सेटल यानी रसम बोलते नहीं क्या रसम हो चुका था। और रामलाल क्या कर रहा था अपनी तीसरी लड़की यानी चंपा के बारे में सोच रहा था। दे वर गुड लुकिंग, और वो बहुत ही अच्छी दिखती थी, दिखने में अच्छी थी, हेल्दी गर्ल्स यानी सेहतमंद लड़की थी। एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ ब्राइड ग्रूम फॉर दे, मतलब उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था उसको लड़का ढूंढना क्योंकि वो दिखने में अच्छी खूबसूरत थी। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल भोली के बारे में फिक्रमंद था। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना वो दिखने में अच्छी थी और ना जहन थी। भोली वॉज 7 ईयर्स ओल्ड वेन मंगला वॉज मैरिड,
जब मंगला की शादी हुई, शादी हो गई उस वक्त भोली 7 साल की थी। द सेम ईयर प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन देयर विलेज, उसी साल उनके गांव में प्राइमरी स्कूल लड़कियों के लिए खुल जाती है। तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और जो तहसीलदार साहब जो कलेक्टर है ओपनिंग सेरेमनी के लिए वो गाँव में आते हैं। ही सेड टू रामलाल, और रामलाल कहते हैं एज ए रेवेन्यू ऑफिसर, एज ए रेवेन्यू ऑफिसर यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू विलेजर, यू मस्ट सेंड यूर डॉटर टू स्कूल। वो कहते हैं कि जैसे कि तुम रेवेन्यू ऑफिसर हो गवर्नमेंट के, क्या तुम नुमाइंद हो जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हो, और विलेज के सामने तुमको विलेजर्स के सामने तुमको इस गाँव में एक एग्ज़ाम्पल कायम करना है, तो तुम क्या करो, तुम तुम्हारी लड़की को स्कूल को भेज दो। That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to the school, who will marry them?" उस रात वो रामलाल अपनी बीवी से कंसल्ट करता है, राय मशवरा करता है। वो चिल्लाती है कि आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए? If girls go to the school, who will marry them? अगर लड़की स्कूल गई तो कौन उससे शादी करेगा? अभी जरा आके देखो। बट रामलाल हैड नॉट करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, एट लीस्ट हिज वाइफ सेड आई विल टेल यू व्हाट टू डू, सेंड बोली टू स्कूल एज इट इज देर इज लिटिल चांस टू हर गेटिंग मैरिड। तो मतलब अपने उसको इतनी हिम्मत नहीं थी जो उसको जो ऑफिसर था उसकी नाफरमानी करे तहसीलदार की। एटलीस्ट हिज वाइफ सेड, और उसके आखिर उसकी वाइफ कहती है आई विल टेल यू, मैं तुमसे कहूँगी वो कौन उससे शादी करेगा। ठीक है, उससे भेज दो इसको स्कूल को, जैसा कि इसकी शादी का बहुत ही कम चांस है। विथ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस लेट द टीचर एट वरी अबाउट हर, मतलब उसका जो अगली फेस है, जब चेहरे पर गंदे मतलब गंदा चेहरा है उसका, और जो लैक ऑफ सेंस यानी समझने में जब कमज़ोर है, तो उसके टीचर भी क्या उसके लिए परेशान होंगे। नेक्स्ट डे रामलाल कॉट पुलिस बाय द हैंड एंड सेट कम विद मी आई विल टेक यू टू द स्कूल। द भोली वॉज फ्रैटन, शी डिड नॉट नो वॉट अ स्कूल वॉज लाइक, शी रिमेंबर हाउ फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। मतलब अगले दिन क्या करते हैं भोली के अब्बा उसको क्या कहते हैं, हाथ पकड़ते हैं, बोलते हैं कि आओ चलो तुमको मैं स्कूल लेकर जाता हूँ। भोली क्या जाती है, घबरा जाती है, उसको पता नहीं स्कूल क्या चीज़ है ये, और उसको याद है कि कुछ दिन पहले ऐसे ही जो उनके घर में जो ओल्ड एज थी, जो पुरानी गाय थी, उसको लक्ष्मी को उसको ऐसे ही उसको बाहर घर के बाहर लेकर गया और उसको बेच डाला था। नो कहती है वो, मतलब घबराते हुए अटकते अटकते शी शॉर्टेड इन टेरर यानी खौफ के बारे में घबराती है। पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और जो फादर ने उसके हाथ ग्रिप से पकड़ा हुआ था उसका सा झटका दे के वहाँ से उसको भाग जाती है, हाथ छुड़ा लेती है। व्हाट्स द मैटर विथ यू यू फूल शॉर्टेड रामलाल, आई एम मतलब होता है आई बेवकूफ, क्यों इतना चिल्ला रही हो, क्या बात है, क्या माजरा है। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुमको सिर्फ स्कूल लेकर जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, और वो अपनी वाइफ से कहता है लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लोथ टुडे और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल थिंक ऑफ अस व्हेन दे आर सी हर। मतलब स्कूल उसकी वाइफ से कहता है कोई अच्छे अच्छे कपड़े रहेंगे तो इस बच्ची को पहनाओ, और जो टीचर अदर जो नहीं क्या जो पहनते हैं वो क्या सोचेंगे अगर वो ऐसे देखेंगे। तो द न्यू क्लोथ हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, मतलब अभी तक भोली के लिए नए कपड़े बनाए ही नहीं थे। द ओल्डेस्ट ड्रेस ऑफ हर सिस्टर वेयर पास ऑन टू हर, मतलब अभी तक उसको नए कपड़े बनाए ही नहीं थे, जो पुराने कपड़े थे एक बहन से दूसरे तीसरे ऐसा करते हुए उसके पास आते थे। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉश एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, लेकिन आज के दिन वो बहुत ज़्यादा लकी थी यानी खुशनसीब थी, क्योंकि उसको एक अच्छा क्लीन साफ सुथरा ड्रेस मिल रहा था, और जो बहुत सफाई के बाद क्या हो गया श्रृंग यानी सुकड़ गया था, जो चंपा को अभी फिटन नहीं आ रहा था जो इसको आ जाएंगे। शी वॉज इवन बातेज एंड ऑयल वॉज रब इन टू हर ड्राई एंड मटर है, मतलब आज उसको क्या अच्छा नहला रहे हैं उसको, और बालों को तेल रब कर रहे हैं,
और जो गंदी जो हो गए थे बाल उसको अच्छे से साफ करें। ओनली देन शी डिड बिगिन बिलीव डैट शी वॉज बींग टेकन अ प्लेस बेटर देन हर होम। उस वक्त उसका सर शुरू 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 में उसका सर महसूस होने लगा कि ये क्या होगा, अब मैं जहाँ पे जा रहा हूँ शायद वो उसकी घर से अच्छी जगह होगी। वेन दे रीच द स्कूल, जब वो स्कूल पहुँच जाते हैं, द चिल्ड्रन वेयर ऑलरेडी इन देयर क्लास रूम। रामलाल हैंडेड ओवर इज डॉटर टू हिज मिस्ट्रेस लेफ्ट अलोन एंड द पोअर गर्ल। और वो रामलाल क्या करता है, अपने स्कूल के जो है कि विलेज में गांव में स्कूल में जाता है, वहाँ के जो हेड मिस्ट्रेस है वहाँ पे जाके वो अपनी बच्ची को हेड मिस्ट्रेस के पास देता है लेफ्ट अलोन, और उसको अकेला छोड़ जाता है। द पोअर गर्ल लुक अबाउट हर विथ फियर लैडन आइज, नहीं वो अपने एकदम आँखों में साथ नहीं क्या खौफ जाए हुई आँखों से देखती है। देयर वर सेवरल रूम्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी बहुत सारे रूम है। एंड ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्पॉटेड ऑन मैट रीडिंग फ्रॉम बुक्स राइटिंग स्लैट एंड हेड मिस्ट्रेस आस्क बुलीज टू सिट डाउन इन द कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लास रूम। तो मतलब वो दिखती है कि यहाँ पर बहुत सारे रूम में लड़कियाँ क्या बैठी हुई है, अपनी अपनी जगह पर मैट पर बैठी हुई है, किताबें पढ़ रही है, स्लेट पर कुछ लिख रही है। हेड मिस्ट्रेस उसको पूछते हैं कि तुम क्लास के कोई कॉर्नर में बैठ जाओ। बुली डिड नॉट नो वाट एग्जैक्टली स्कूल वॉज लाइक एंड वाट हैपन देर, मतलब भोली को पता नहीं था स्कूल क्या चीज़ है, वहाँ पर क्या होता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सम मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देर, मतलब उसको तो खुशी थी कि मेरी उम्र के यहाँ पर क्या है बहुत सारी लड़कियाँ मौजूद है। शी होप डैट वन ऑफ दिस गर्ल माइट बिकम हर फ्रेंड, और उसको उम्मीद थी कि इसमें से कोई एक लड़की उसकी क्या फ्रेंड बनेगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, जो लेडीज टीचर थे वो बच्चों से कुछ कह रहे थे लेकिन भोली कुछ समझ नहीं पा रही थी। शी लुक एट द पिक्चर ऑन द वॉल, और जो दीवार पर तस्वीर लगी हुई थी वो वही देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, जो कलर उसको क्या है बहुत मुतासर कर रहे थे। द हॉर वॉज थ्रोन जस्ट लाइक हॉर्स ऑन विच वॉल द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, जो घोड़ा था जो ना क्या वॉज ब्राउन, जो ब्राउन था वो ऐसा लग रहा था कि ना क्या ये वही घोड़ा है जिस पर तहसीलदार हमारे गांव में आए थे। द गोट वॉज ब्लैक लाइक गोट ऑफ हर नेबर्स देर नेबर, और जो ब्लैक कलर की काली बकरी थी ऐसी लग रही थी जैसा कि उनके पड़ोस की काली बकरी है। और आगे देखो, द पैरोट वॉज ग्रीन लाइक द पैरोट शी हैड बीन अ मैंगो ऑर्चर्ड, जो पैरोट था जो मिट्टू था पोपट था वो ग्रीन था जैसा कि आम के गार्डन में जो आती है मिट्टू उसी तरह से वो ग्रीन था। एंड द काव जस्ट लाइक देर, और जो काव थी जैसे उनके पास थी लक्ष्मी। एंड सडनली भोली नोटिस डैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, बाद में उसको ऐसा पता चलता है दिखती है कि जो टीचर उसके बाजू में खड़ी हुई है उसको देख कर क्या कर रही है मुस्कुरा रही है। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट अगले वीडियो में आएगा। डिज़ाइन एंड कंसेप्ट बाय इमरान बेंगलोरे। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।